ये थोड़ा सा सीरियस वीडियो हो सकता है भाई। मैं देख रहा हूँ वो लोग भी मोमबत्ती लेकर खड़े हुए हैं जो लड़कियों को माल कहते हैं। भाई इसकी ले लें क्या? अरे भाई मस्त दिख रही है। और वो लड़कियां भी खड़ी हैं मोमबत्ती लेकर जो नंगी नंगी रील बनाती हैं, कहीं अपने बूप्स दिखाएंगी, कहीं कुछ दिखाएंगी, कहीं कुछ मतलब प्रोवोक करती हैं, इंटेंशनली करती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मुझे नहीं पता, बट अल्टीमेटली वी आर रीचिंग टू दैट पॉइंट। तो वो लोग भी खड़े हुए हैं किसके लिए? जो खुद रेपिस्ट जैसा बिहेव करते हैं। मैं कितने वीडियोस पे बोल चुका हूं, सुधरना हमें होगा, दूसरों को सुधारने से पहले उनको तो सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने किया है, ये तो 100% है। पर आपको पता प्रतिदिन 80 रेप हो रहे हैं, प्रतिदिन साल में 30,000 से ज्यादा रेप हो रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? फैक्ट्री चल रही है, आज एक को फांसी लटका दो दूसरा तैयार है। सोचिए अभी जो इंसिडेंट हुआ उसका तुरंत उत्तराखंड में हुआ, बताइए। तो हमें घर से रोकना होगा, ये हमारे माँ बाप सिखा रहे हैं। आपको पता है माँ बाप कहते हैं कि लड़की है ये नहीं करना है, पता है ये लड़की है, हम लड़कों को बता रहे हैं। मेरे खुद के माँ बाप बोलते हैं तुम शादी कर लो क्यों, सुख में रहोगे। सुख कौन सा? शारीरिक सुख। हमें खुद सिखाया जा रहा है भाई, फिर स्कूल में सिखाया जा रहा है पढ़ाई करो अच्छे बनो, तब तो शादी होगी अच्छी लड़की, तब तो सुंदर सुंदर लड़की मिलेगी, क्या सुंदरता। भोग हमें घर से सिखाया जा रहा है, स्कूल में सिखाया जा रहा है, सोसाइटी में सिखाया जा रहा है, बाद में हम बॉलीवुड से सीखते हैं। मैं बॉलीवुड का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बॉलीवुड सिखा रहा है, एड्स सिखा रहा है, हर एक जगह सेक्स है भाई, ये रोक लगाना होगा, शुरुआती से रोक लगाना होगा।